होगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बाबू। चीयर्स। स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं कि भाई व्हाट डू वी ईट इन अ डे। आप लोग हमें पूछते रहते हो कि क्या खाते हो, तो पूरे दिन में हम क्या खा रहे हैं आज आपको दिखाएंगे। एंड मैंने मेजरली 12 से 14 किलो कैसे कम किया, विच इज रफली अराउंड 30 pounds, वो भी आपको पता लगेगा। वो सेम डाइट में लगभग पिछले 8-9 महीने से खा रहा हूँ। डेली व्लॉगिंग में आप लोग देखते आ रहे हो, बट आप लोगों ने हमेशा सिर्फ आप ब्रेकफास्ट दिखाते हो, आगे का नहीं पता लगता मैं क्या क्या है, तो वो सारी चीजें बता रहे मैंने। बट एक बात और मैं बताना चाहता हूँ गाइस, ये हेल्दी ईटिंग है और जो वेट लॉस हुआ है मेरा वो सिर्फ खाने से नहीं हुआ, वो जिम में एक्सरसाइज करने से भी हुआ है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ आप डाइट पे फोकस मत करो, जिम भी जाओ, बट जब जब आप जिम नहीं जा सकते उस दिन आपको आपकी डाइट ही बचाएगी। सो मेक श्योर यू ऑलवेज ईट हेल्दी। एंड एक और चीज, चीट मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चीट मील नहीं रखोगे, चीट डे नहीं करोगे, तो आपके पेट को इतना ज्यादा अच्छा खाने खाने की आदत हो जाएगी, तो कभी भी किसी शादी पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, देन आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सो मेक श्योर कि आप टाइमली कुछ ना कुछ खाते रहो, हफ्ते में एक बार तो चीट मील जरूर लो ताकि स्टमक को आदत बनी रहे। तो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक मैं खाती हूँ आंवला, थोड़ा सा फ्रेश आंवला है। ऑल्सो सुबह सुबह हम खाते हैं सोक्ड वॉलनट्स एंड आलमंड्स। सो दोस्तों एवरीडे क्या होता है, मैडम बैठ जाती है, ब्रेकफास्ट की ड्यूटी होती है मेरी, तो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि मैं सुबह सुबह क्या खाता हूँ। सो एवरी मॉर्निंग मेरे पास दो ऑप्शन होती है मेजरली, ठीक है, कुछ और मन करेगा तो वो अलग चीज है, बट मेजरली मैं दो ऑप्शन खाता हूँ। पहली चीज बॉयल्ड एग्स, सो आई ईट 6 एग वाइट्स, ठीक है, बॉयल करके मैं खाता हूँ। उसमें थोड़ा सा स्पिनिच होता है, थोड़ा सा लेटस होता है, 3 ऑलिव्स, 1/2 एवोकाडो, एंड कभी कभार जब मैं चीट मील करने के, मतलब जब मैं अपने आपको पुश देना चाहता हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो एक ब्रेड की स्लाइस खाता हूँ। बट जब अंडे कम होते हैं, ठीक है, तो मैं एक एग लेता हूँ फुल एग, और 5 एग वाइट्स का मैं स्क्रैम्बल्ड एग बनाता हूँ जो आज मैं बनाने वाला हूँ। और कीरत के हरों सेम ही बनता है, वो है एवोकाडो टोस्ट। एंड अल्टीमेट ट्रिक जो मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारे सब्सक्राइबर को, जिसने हमें बताया था कि भाई आप लोग हर रोज राइप एवोकाडो कैसे खा सकते हो, तो हम तो ऐसे पैकेट में ले आते हैं, दिखाता हूँ। अब हम कॉस्को से इतने ज्यादा पैकेट में लेके आते हैं, हम पहले क्या करते थे, बाहर रखते थे कि राइप हो जाएंगे, उससे प्रॉब्लम क्या थी, सारे एवोकाडोस एक ही बार में राइप हो जाते थे। तो ये नहीं करना, आपको थोड़ा सा साइकिल मेंटेन करनी है। मेरी साइकिल है 3 एवोकाडोस की, ये पूरा हार्ड है अभी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं 3 एवोकाडोस एक जैसे आप निकालता हूँ तो एक में डाल दूंगा। ये आज राइप हुआ है, ये कल का है, और ये परसों का है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कैसे मेरे को यूटिलाइज करना है। दिस इज अ हैक जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बताया था, लव्ड इट। सो आज ये खाएंगे और ये डाल देंगे अपनी रोटेशन, गाइस रोटेशन। और कभी आपका अगर एवोकाडो राइप नहीं हुआ, क्योंकि एवोकाडो पे मैं इतना ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी ट्रिकी चीज है, तो कुछ नहीं करना, अगर हाफ राइप भी हुआ हो, हाफ भी, ये नहीं कि बिल्कुल कच्चा, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। फोक लो, फोक को ऐसे पोक करते रहो, मैंने कर दिया सारा, और उसको 30 सेकंड से माइक्रोवेव में रख दो। सो दिस विल हेल्प यू टू गेट अ फ्रेशली राइप एवोकाडो एवरी डे। ये मैंने आइडिया से डाल लिया, एक बार थोड़ा ज्यादा भी चल जाए, आई लाइक इट। गाइस मैं फटाफट बताने आई हूँ, फियांशु पहले नॉनस्टिक बहुत यूज करता था, मैं भी इनफैक्ट बहुत यूज करती थी, अब मैंने काफी हद तक अपने सारे यूटेंसिल्स चेंज कर दिए हैं। ट्राई टू यूज स्टेनलेस स्टील और आयरन कास्ट, मैं आयरन कास्ट में बहुत ज्यादा रेकमेंड करूंगी कि कुक करो, क्योंकि फ्लेवर ही अलग आता है उसमें जब कुक करते हो आप। लेकिन फिलहाल स्टील का भी बहुत बढ़िया रहता है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं आता, बट इट इज रियली गुड क्योंकि कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है, स्टेनलेस स्टील है। और ये जो मैं यूज कर रही हूँ काफी अच्छी क्वालिटी का है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सो दैट यू कैन आल्सो गेट योर्स। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात,
कि मैं हर रोज बनाता हूँ खाना कोकोनट ऑयल में। तो ये मेरे ऑमलेट का तड़का बन रहा है, और वेजी थोड़ी कम भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ी ज्यादा भूख लगती है तो मैं थोड़ा सा कभी कर ज्यादा कर लेता हूँ। मैं ज्यादा फसी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट ऊपर नीचे चलती है, बट मुझे होता है जीवन भी तो जीना है ना। मैं जनरली आपको बताता हूँ, आई बिकेम वेरी फिनिकी कि इतना ही खाना इतना ही करना है, बट मेरे को मेरे ट्रेनर ने समझाया कि यार लाइफ है, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल एथलीट, तुझे पेट अंदर हो जाए, मेंटेन रहे, तू 5 किलोमीटर तक चलते जॉगिंग कर सको या फिर वॉक कर सको, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, नॉर्मल हाइट पे जा सको, हाइट पे जा सको, ये सब कर सको, उसके लिए इतना फिनिकी नहीं होते। कभी तुम्हें बाहर भी खाना पड़ता है ना, कभी गुलाब जामुन खाना पड़ता है तो खा लेना प्लीज। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम पूरे ही डाइट के पीछे पागल हो जाओ, सो डोंट बी दिस। एक दिन में तुम कोई मोटे नहीं हो गए, एक दिन में तुम कोई पतले भी नहीं हो गए, ये बात याद रखना। तो अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ, साथ साथ कीरत का एवोकाडो टोस्ट। एक और चीज, अब अगर आपका एवोकाडो थोड़ा सा आपको ऐसे ऐसे निकले तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, आप खा सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको ये लाइनें दिख रही है, ये सारी मैंने फोक में करी थी सुबह सुबह, तो 3-4 घंटे में हवा गई होगी, ये सारे मेरे फोक के निशान है एग्जैक्टली, तो घबराना मत। तो एवोकाडो को प्यार करना, तो इसमें डले थोड़े से अनियंस, हाफ एवोकाडो, 3 पीस ऑलिव्स डाले मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा डालेंगे हम पेपर, और उसके बाद कॉस्को से लिया है मैंने रोस्टेड गार्लिक और पेपर, ये मुझे बहुत पसंद आता है, तो कभी कभार मैं नमक भी नहीं डालता, एंड दिस इज इनफ। इसको करेंगे मैश। कीरत का टोस्ट बन गया है, सैंडविच बनाया आज मैंने, ठीक है, ये बनाना भी सुपर इजी है। और आप सबको बताते हैं हम ब्रेड भी कौन सी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मल्टीग्रेन सावरडो ब्रेड। हमने नॉर्मल वाली रेगुलर जो ब्रेड होती है वो लानी छोड़ दी, अब हम सावरडो खा रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर आप कंटेंट्स पढ़ोगे ना, इंग्रेडिएंट्स जो है, शुगर बहुत ही कम यूज होती है इसमें, आई थिंक 1 स्लाइस में 1 ग्राम शुगर है, और अगर आप मतलब के नॉर्मल वाली ब्रेड देखोगे उसमें शायद 1 स्लाइस में 5 होती है शायद, मे बी उससे ज्यादा। सो ट्राई यूजिंग सावरडो, पहले फ्यांजू को अच्छी नहीं लगती थी, अब बहुत अच्छी लगती है उसको। ये थैंक यू। हम हर रोज सेम ब्रेकफास्ट खाते हैं, सेम क्या हम तू स्पेशली, मैं थोड़ा सा वेरिएट करती हूँ। हाँ, मैं तो नहीं रखता, वेरी हैप्पी विद द रूटीन, आई लव रूटीन। कभी कभी कुछ मन करता है अलग खाने का, तो मैं कुछ मतलब चीला खा लेंगे, पोहा खा लेंगे, बेसन का चीला, परांठे भी बना देती हूँ। मेरे 7 में से गारंटेड 5 दिन सेम है। मेरा भी वैसे ये 4 दिन तो होता ही है मिनिमम, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ही बनाता हूँ। सो किचन वापस वैसे ही साफ। बिफोर आई ईट फूड मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ, और ये बिफोर फूड लेती हूँ, बिफोर मील, दिस इज ऑल्सो वॉट वी ईट इन अ डे, वॉट यू ईट इन अ डे। और मैंडेटरी रूटीन है कि खाना खाते हुए मेरे को शार्क टैंक वगैरह देखना जरूरी है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। Cheers. ब्रेकफास्ट के बाद हम 20-25 मिनट के बाद अपनी कॉफी या चाय लेते हैं, और तकरीबन ट्राई करते हैं कॉफी ले लें सुबह सुबह, एंड लेटर इन द इवनिंग हम चाय लेते हैं। तो अभी सुबह फियांशु से मैं पूछती हूँ चाय लेनी है कॉफी लेनी है, हमारा अल्टरनेट चलता रहता है। कॉफी मैं बनाती हूँ अपनी इस क्रेग की मशीन में, हम पॉड्स यूज करते हैं वो कॉस्को से लेकर आते हैं। आई एम थिंकिंग टू बाय अ रीयूजेबल पॉड टू, अभी मैंने लिया नहीं है बट I am planning to do that. Anyway, so very very easy to make a coffee in this one. Pot डाल दिया मैंने, इसमें सिर्फ एक ही कप बनता है at a time. पानी डाल दो, और रोज मैं पूछती हूँ अपने आप से आज कौन से मग में पीऊँ, Vancouver, Las Vegas या New York? Vancouver and New York it is. After meal medicine. My love baby. Chica, I love you. मेरी कॉफी रेडी है, फियांशु की कॉफी अभी बन रही है, दिस इज ब्लैक कॉफी। इसमें मैं अपनी कॉफी में डालती हूँ सोया मिल्क, सोया मिल्क मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला डेयरी अवॉइड करने को बिकॉज ऑफ माय स्किन कंडीशन, बस मैं ऐसे ऊपर से हल्का सा दूध डाल देती हूँ। और फियांशु की कॉफी में जा रहा है फुल फैट मिल्क, हम कई बार 2% ले आते हैं, कई बार फुल फैट, और बाय द वे देयर इज नो शुगर, हमने बिल्कुल शुगर छोड़ दी है दोस्तों। और आप मेरी कॉफी और कीरत की कॉफी में कलर डिफरेंस देख सकते हो, कीरत की और डार्क है
क्योंकि मेरे में दूध गया है और मेरे में सोया मिल्क है तो ये थोड़ा लाइट ही रहता है। वैसे तो आप सोच सकते हो कि फियांशु मैं फुल फैट मिल्क क्यों पी रहा हूँ, जबकि मुझे अगर वेट लॉस करना है या ये वाली जर्नी में। मैंने एक्चुअली 2% या 1% या 0% भी पीता था मैं, बट अब मैंने दूध ऑलमोस्ट पीना छोड़ दिया है। तो कीरत दूध लाती है दही बनाने के लिए या कभी कभार पनीर बनाने के लिए, तो फिर मैं कहता हूँ अलग से क्यों लेके आना दूध, तो मैं इसी का थोड़ा सा ले लेता हूँ। और इतना पोर्शन अगर दूध का जा रहा है, डजंट मैटर, जीवन भी तो जीना है ना। गाइस आज के ब्लॉग की टैगलाइन है जीवन भी तो जीना है ना। सो अब टाइम आ गया है लंच का। अपने इंस्टा पॉट में आज मैं बनाऊंगी, देखते जाना। और मैं आज बनाऊंगी लंच में व्हाइट चने, प्री सोक्ड है ये, नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कुक करती हूँ इंस्टा पॉट में। जब से ये मेरी लाइफ में आया है लाइफ पूरी सॉर्ट हो गई है। थोड़ा से ड्रॉप्स घी के डाल दो ताकि ऑयल ना मिले। आज बन रहे हैं चने एंड चावल, और साथ में चावल जैसे आपको कहा है कि वो कार्ब्स हो जाएंगे, सो आप कुछ भी मतलब कि ये ले सकते हैं। और मैंडेटरी हम साथ में दही भी लेते हैं इसका, कर्ड, होममेड दही हो वो ज्यादा बेटर है। 200 ग्राम हम कर्ड खाते हैं एंड हम बहुत सारा सैलेड खाते हैं। एंड जितने भी जिम रैट्स, जिम फ्रीक्स हैं गाइस, आप तड़का ये सब खा सकते हो, डोंट वरी। इसमें आपको ये नहीं करना कि एक सेट ऑफ सब्जी ही खानी है। मैं बहुत टाइम तक, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत टाइम तक सिर्फ पनीर का डिनर और लंच चिकन का करता आया हूँ। मैंने चिकन तो काफी टाइम से छोड़ दिया, मतलब 1.5 महीने हो गए मैंने चिकन नहीं खाया हुआ जब से चीकू आया। एंड मैंने चीकू की वजह से चिकन छोड़ा। मेक श्योर इफ यू वांट टू लूज योर वेट और इफ यू वांट टू गेट इन शेप यू हैव टू एक्सरसाइज प्लस देन ईट हेल्दी। एक और चीज है क्योंकि व्हाट इफ वी ईट इन अ डे, तुम्हें लगेगा यार ये तो हम भी खाते हैं तो हम पतले क्यों नहीं हो रहे। उसका मेजोरिटी रीजन ये है कि आप ये तो खाते ही हो बट शाम को जाके मोमोज भी खा लेते हो, सो वो नहीं करना। तड़का भी मैं इंस्टा पॉट में लगा सकती हूँ बट जनरली आई डू नॉट प्रेफर मतलब के तड़का इन इंस्टेंट पॉट, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा ऐसे धुआं निकलता है, तो मैं चाहती हूँ कि अवन मतलब के ये स्टोव के नीचे ही मैं तड़का लगाऊं। प्लस जिस चीज में मैं तड़का लगाती हूँ उसका फ्लेवर ही अलग होता है, सो आई ट्राई टू डू तड़का सेपरेटली। चने के साथ हम कभी कभार खाते हैं चावल या कभी कभार कीनुआ भी, बट आज मेरा चावल के दिल है तो चावल बनेंगे। सो जैसे मैं बता रही थी कि चनों के साथ मैं लंच में बनाऊंगी व्हाइट राइस, कभी कभी ब्राउन राइस बना लेते हैं, कभी कभी कीनुआ बना लेते हैं चावल के साथ या रोटी। सो आज बनेंगे राइस, लेट्स वॉश इट, उसके बाद मैं लगाऊंगी चनों को तड़का। राइस भी मैं बनाऊंगी अपने इंस्टेंट पॉट में। चार मिनट में बन जाएंगे प्रेशर कुकर। सो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या फिर लंच और डिनर के बीच में जो टाइम होता है ना, उसमें बड़ी ही भूख लगती है जब आप करते हो स्नैकिंग। हम ट्राई करते हैं कि घर में ना कोई फालतू चिप्स रखें, ना कुकीज रखें, ये जो रस होते हैं कुछ नहीं हम वो घर पे रखते। अभी पिछली बार हम कॉस्को से बस एक ओट्स वाली डैड कुकी आती है वो लेकर आए थे, एंड इस बार वो सोचा कि भाई अब वो भी फिनिश। सो वो भी कभी होता है ना चीट मील काइंड ऑफ कि थोड़ी सी चलो स्वीट भी हो जाएगा, एंड वैसी सी चीजें हम कभी कभी ही लेकर आते हैं, यूजुअली घर पे रखते ही नहीं, क्योंकि अगर घर में वो चीज आ गई आपका ध्यान वहीं जाएगा और यू विल ईट इट फॉर श्योर। और कई बार इतना हॉक कर लेते हो आप, टेंशन में कह लो क्योंकि इतना स्ट्रेस हो जाता है कई बार काम का भी, एंड यू स्टार्ट हॉगिंग ऑन ऑल दीज जंक आइटम्स जो मेरी मम्मा मेरे को कहते हैं डेड फूड है मत खाया करो, ठीक है। सो वी ट्राई टू ब्रिंग हेल्दी स्नैक्स, और फियांशु जैसे खाएगा चिया पुडिंग होगी, चिया प्रोटीन पुडिंग। आजकल मैं लेकर आई हूँ एडामामे, एडामामे दिखाती हूँ कि कैसा दिखने में ऐसा होते है ये। दिस इज कॉल्ड एडामामे, दिस इज जापानीज बेबी सोयाबीन्स की फलियां है ये, ठीक है। और ये कॉस्को से मिल जाती हैं, और आप इसको माइक्रोवेव करो या बॉयल कर लो, एंड इट इज सो गुड फॉर स्नैकिंग। मतलब एक तो इजीली मुंह में नहीं हो सकता, राइट, व्हाट यू नीड टू डू मैं अभी आपको दिखाती हूँ बनाकर। ये मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ एडामामे को, माइक्रोवेव में मैंने गरम कर लिया, और इसमें अब डालूंगी सॉल्ट। आप अपने हिसाब से ड्रेसिंग कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बस सॉल्ट डालूंगी, हिमालयन सॉल्ट, और मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ये हो गया हमारे बढ़िया स्नैक, ये बस अपना काम करते करते आप इजिली खा सकते हो, और इसको खाने में भी टाइम लगता है, सो यू विल नॉट हॉग ऑन टू इट
लाइक इंटायरली, बट ये मैं इजीली खत्म कर सकती हूँ एक पैकेट खुद ही। आई ट्राई कि मैं आधा फ्यांचू को दे दूँ आधा मैं खुद खाऊं, बट बहुत ही यम्मी लगती है। अगर आपने नहीं ट्राई किए मस्ट ट्राई इट, यू कैन गेट इट फ्रॉम कॉस्को। ऐसी बीन निकलती है, ये आपको खाना होता है। फिनिश ऑलरेडी, एक घंटे में मैंने खत्म कर दिया ये सारा बोल। दिस इज वन ऑफ आवर हेल्दी स्नैक, सो कमेंट डाउन बिलो आप कौन सा हेल्दी स्नैक खाते हो जब आपको दिल करता है कुछ खाने का। चीका, बाय द वे, चीकू लव्स एडमामे टू, इसको भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं फटाफट अपने चने मसाला को लगाऊंगी तड़का। मैंने चॉपर अपना निकाल दिया है। बाय द वे, जो भी अप्लायंस वगैरह, कुकवेयर जो भी मैं यूज कर रही हूँ, विल पुट एवरीथिंग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, लिंक डाल देंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगा है। सो बहुत ही सिंपल है, मैं प्याज वगैरह इसमें चॉप करूंगी, टमाटर चॉप करूंगी एंड इसमें, और लगाऊंगी तड़का अपनी फेवरेट 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 कढ़ाई में। मैं 30 इयर्स की हो गई हूँ और मेरा कंसिस्टेंटली बिल्कुल एक ही वेट रहा है। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑब्वियसली माय फर्स्ट वुड बी माय गुड जीन्स। सेकंड जो मैं क्रेडिट देना चाहूंगी अपनी डाइट का, मैं पहले 6 साल कनाडा में अपने अंकल आंटी अपने माओ मामी के पास रहती थी, तो जो वो घर पे बनाते थे मैं सिर्फ वही खाती थी, मैं इधर उधर का बिल्कुल नहीं खाती होती थी। और फिर जब फियांचु मूव हुआ, मैं बहुत ज्यादा काम पे बिजी थी, साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रही थी सीपीए की, तो हमने बस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए टिफिन लगाया था, तो आई वॉज ईटिंग टिफिन वाला खाना। बहुत मैं और फियांचु कम खाते हैं बाहर जाकर, क्योंकि वी नो के यार बाहर खाओगे इट्स नॉट हेल्दी द वे दे कुक। चाहे आप इंडियन खाओ, जो मर्जी खाओ, ठीक है, देर आर सर्टन आइटम्स दैट यू कैन हैव, मतलब क्विक बाइट जो हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल सैलड्स हो गया, सब्वे का सैलड आपके सामने बन रहा है, ठीक है, तो सॉसेज वगैरह कम डलवा लो, बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ घर का खाना। दैट इज द रीजन वाई आई हैव केप्ट माई वेट कंसिस्टेंट ऑल दीज ईयर्स, मतलब कि 30 साल तक मेरा वेट कंसिस्टेंट रहा है ओनली बिकॉज ऑफ हेल्दी ईटिंग। एंड फिर जब मेरी मम्मा आए थे, देन मैंने डिसाइड किया था, मम्मा जब वापस जा रहे थे, कि भाई मेरे को अब टिफिन का खाना नहीं खाना, आई एम गोइंग टू लर्न, आई एम गोइंग टू कुक बाय माई सेल्फ। और तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कुकिंग की, और अब आई ट्राई टू मेक एवरीथिंग एट होम, यू वोंट बिलीव, मैं इवन की ब्रेड भी घर पे बनाना सीख रही हूँ, और दैट्स हाउ आई गो क्रेजी समटाइम्स। अब तो मतलब के मेरे को काफी बढ़िया तड़के तुड़के लगाने आ गए हैं, टचवुड, फियांचु तो मेरे को यही कहता है। सो ये हम खाने वाले हैं लंच में। एंड दोस्तों प्लीज ये बात याद रखना, ईट एनीथिंग घर का बना हुआ। आपको ज्यादा डाइट करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करो, साफ खाओ, क्लीन ईटिंग करो, यू लूज वेट, यू विल बी फिट, डोंट वरी। कभी कभी चावल छोड़ सकते हो, और चावल लेने तो थोड़े से ले लेना, सब्जी खा लो ज्यादा, कर्ड खानी है आपने 200 grams, एंड सैलेड में और चीजें डालते हैं, बट आज मन कम था, वरना लेटस डाल सकते हो आप, गाजर डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें। लंच के बाद डिजर्ट मैंडेटरी होता है हमारा, और ये देखो ये मैंने हलवा बनाया था कल, घर का हलवा है, इसमें देसी घी है, बेसन है और चीनी नहीं है, गुड़ से बनाया ये मैंने। जीवन भी तो जीना है ना। बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ये सब मैंने खाना शुरू किया था जब मेरा वेट लॉस हो गया था तब, बट अब मैं रेगुलरली खा रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से मैं लगातार कुछ ना कुछ खाता हूँ। हफ्ते में 2 बार तो ऐसा कुछ होता है कि कुछ मीठे का हम खाते हैं। सेकंडली कभी कभी अगर मीठा खाने की क्रेविंग, क्योंकि क्रेविंग रहती है, एंड डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि कुछ कुछ मीठा खा सकते हैं, तो हम कभी कभी गुड़ की इतनी सी बाइट ऐसे लेके मुंह में रख लेते हैं, एंड वो भी टेस्टी लगता है, बट ये हलवा तो भाई चीकू देख, चीकू भी पागल हो जाता है। और यही टाइम होता है जब हलवा ना बनाओ तो हम फ्रूट्स वगैरह खा लेते होते हैं लंच के बाद, सो वो भी बढ़िया रहता है। दोस्तों हर रोज मैं अपना एक प्रोटीन तो जरूर पीता ही पीता हूँ, एक स्कूप प्रोटीन का होता है और 300 ml वाटर। कभी कभी अगर लंच नहीं किया होता तो बिफोर वर्कआउट, कभी कभी अगर किया होता हैवी किया होता है तो आफ्टर वर्कआउट, तो मैं पीता ही पीता हूँ, तो 25 grams मेरे प्रोटीन इससे पूरा होता है। टाइम फॉर डिनर।
सो जिम के बाद मैं खाता हूँ खाना, एंड ये आपने देखा है कीरत ने बनाया मसाला ओट्स, आप इसको खिचड़ी भी कह सकते हो। साथ में प्रोटीन के लिए मैं पनीर थोड़ा सा जरूर लेता हूँ, कीरत नहीं लेती, कीरत की पेट में देख सकते हो नो पनीर। एंड ये वेजीज हमारे लिए हैं, चीकू के लिए, ये हम भी खा सकते हैं, चीकू भी खा सकते हैं, बॉइल्ड वेजीज हैं, दिस इज फॉर एवरीवन। एंड दिस इज कोकोनट चटनी जो हम कभी कभी यूज करते हैं। सो मेजरली हम यही सब खाते हैं, इसकी जगह कभी कभार कीरत क्या हो जाएगा, रात को हम छोले खा लेंगे, लंच वाली चीज डिनर हो जाएगी। हम डिनर थोड़ा लाइट रखते हैं, जैसे ये ओट्स हो गया, हाँ। कीनुआ हो गया। और एक और मैं बताता हूँ, कीनुआ हमने नहीं दिखाया जो हमने काफी टाइम से नहीं खाया पिछले महीने से, अदरवाइज हम कीनुआ बहुत खाते हैं, खत्म हो गया था। सेकंडली हम पॉपकॉर्न भी खाते हैं, मैं सब कुछ खाता हूँ गाइस। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ मेजर डिफरेंस आया, जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा जिसने मेरी फैट लॉस जर्नी को हेल्प करा, अभी भी मैं ये नहीं कोई एब्स उब्स आगे कुछ हो गए हो, मैं पहले से फिट हो गया और गोल है आगे फिट होते होते जाना। क्योंकि मैंने ना वो वाला टाइम भी किया जब मेरे मतलब की ऊपर के दो एब्स आए हुए थे, 78 वेट था, आज से मैं बात बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग 2017-18, तो सारे नहीं आए हुए थे, दो ऊपर के एब्स आई थी, सबसे आसान वही होती है एब्स, सबसे चोमू एब्स होती है वो। बट उस वक्त मैं साइको हो गया था कि यही खाऊंगा, दो दो महीने उस बॉयल फूड ही खाई करो, वही खाई करो, ये सस्टेनेबल नहीं है। और जब मैं बात कर ही रहा हूँ व्हाट वी ईट इन अ डे, खाने के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ अपनी बीवी की डांट, उसके बिना वो मेरी स्वीट डिश डिजर्ट सब कुछ है। एंड ये वो टेबल है, डांट से याद आया, मल्टीपर्पज टेबल जिसे हम खाना खा रहे हैं, मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, वी स्टिल वांट टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, अमीरो। थैंक यू अमीरो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, योर प्रोडक्ट्स आर रियली ऑसम। जो लोग अमीरो के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे ले सकते हैं, कूपन कोड भी होगा वो भी यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर जर्नी, हम रोज व्लॉग्स बनाते हैं, आपको कल मिलते हैं, बाय बाय बाय, कल मिलते हैं।